दोस्तों नमस्कार, डेटसन रेडिको चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डेटसन रेडिको का डैशबोर्ड देखा ही होगा गाड़ी में लगा हुआ, तो आज ये बाहर खुला हुआ रखा है। इसके ऊपर क्या क्या इंस्टॉल होता है वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और कहाँ कहाँ पर इसकी फिटिंग होती है, मतलब जो डैशबोर्ड गाड़ी के अंदर टाइट हुआ रहता है उस पर कहाँ कहाँ बोल्ट लगे होते हैं, वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यार थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बॉडी शॉप में ना डैशबोर्ड को ढूंढ डाल के निकाला है इसको बाहर, तो बस मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस तरफ से चलते हैं, तो डैशबोर्ड में ना बॉडी में यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट लगता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्लिप लग जाती है, प्लास्टिक की टाई क्लिप जो ए पिलर पर जाके लगती है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया वेंट एयर का, और एक यहाँ पर बोल्ट है ये रहा नीचे की साइड में, ये देख रहे हैं आप, यहीं पर वो डैशबोर्ड की पत्ती लगती है जिसकी वीडियो मैंने डाली थी, जो टूट जाती है पत्ती, यहीं पर वो बोल्ट लगता है। उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, आप देख लेना। ये हो गया अपना ग्लोव बॉक्स, ठीक है। ये ग्लोव बॉक्स खुलता है, इसमें आप सामान वामान रख सकते हैं, तो ये इनबिल्ड होता है, अलग से निकलता नहीं है। एंड इसके बाद आगे हम चलते हैं, यहाँ पर होता है इस गाड़ी में ये वेंट है, ठीक है। यहाँ से भी ठंडी हवा आती है, यहाँ पर अपना हैजार्ड स्विच लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ हम स्टीरियो वगैरह लगा सकते हैं, इसमें छोटा सा स्टीरियो लग जाता है। स्टीरियो का एक बोल्ट यहाँ पे टाइट होता है, ठीक है, इस जगह पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। स्टीरियो के पीछे जहाँ ये डैशबोर्ड टाइट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बोल्ट लगता है, ठीक है, जो अपना नट होता है ना, मतलब इसको डैशबोर्ड को फिक्स करने के लिए, यहाँ पे टाइट हो जाता है। एक बोल्ट यहाँ पे टाइट होता है, एंड इसके बाद यहाँ पर ऊपर लगता है वो स्टीरियो, और क्या नाम, यहाँ पर वो एसी वेंट जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एसी का वेंट नहीं सॉरी, वो लगता है जो यूनिट होता है ना एसी पैनल, दिखाता हूँ होता क्या है वो, तो ये लगा होता है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर ही स्टीरियो लगा रहता है, और ये ऐसे यूनिट में कंप्लीट लगा हुआ आता है, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे आता है यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट आता है, आप इसमें अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लगेगा आपकी गाड़ी का क्लस्टर मीटर, ठीक है, 1A। इसके बिल्कुल पीछे ही मेन हार्नेस लगी रहती है, ठीक है। एंड क्लस्टर मीटर का एक बोल्ट यहाँ पे टाइट होता है, नट एक यहाँ पे टाइट होता है, ठीक है, स्क्रू होते हैं वो। और यहाँ पर एक अर्थिंग का बोल्ट टाइट होता है, ठीक है, बॉडी में भी टाइट होगा, पीछे वो लोहे की रोड रहती है, इस पर यहाँ तक, इस बेस तक, तो उसमें बॉडी में वो टाइट हो जाता है। एंड इसके बाद ऊपर से एक वो ग्रीन सी लगी रहती है, वो भी आप देख लेना। यहाँ पर एक लगा रहता है, दो बोल्ट यहाँ होते हैं मतलब क्लस्टर के। एंड नीचे यहाँ पर स्टीयरिंग कॉलम निकल के आता है इस जगह से, ठीक है। तो इसमें यही था, और आगे यहाँ पर ये वेंट हो गया अपना, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक बोल्ट है, ठीक है, फिटिंग का। एंड यहाँ पर नीचे भी एक बोल्ट है फिटिंग का। एंड यहाँ पर जो अपना आपने देखी होगी ना, हाई बीम लो बीम जो ऊपर नीचे करने का लाइट को होता है, जब मान लो आपकी गाड़ी चल रही है रोड पर, और आप लाइट का जो फेस है, ठीक है, उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यहाँ से होता है, यहाँ पर वो स्विच लगा रहता है, ठीक है ना। एंड पीछे की साइड इसमें क्या क्या लगा रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब अंदर की साइड जो हमें दिखता ही नहीं है, इसमें ये लगे रहते हैं वेंट के पाइप्स ऐसे, ठीक है ना। तो ये HVAC यूनिट जो है ना, मैं दिखाता हूँ पहले, ये जो यूनिट के हॉल्स हैं ये बड़े बड़े, ठीक है, यूनिट ऐसे हमने रख दी, पहले यूनिट रखी जाती है गाड़ी के अंदर, फिर उसको डैशबोर्ड को रखा जाता है। तो इसके ये वेंट है ना, ये 1, 2, 3, इन वेंटों के थ्रू जब हम एसी का किसी भी तरफ डायरेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इन वेंटों के थ्रू एयर मिल जाती है। एंड एक चीज़ हो रहा है, डैटसन क्या नाम, हेलो कार्स करके एक डैटसन का रेडियो का चैनल है, तो उन्होंने पूछा था कि सर ये जो इसके ढक्कन का है ना, इसका कैप, इसके साथ ग्लोव बॉक्स जो है, इसके साथ ये भी बाहर निकल जाता है, तो मैंने उनको बताया था ऐसे नहीं निकलेगा, ये निकलता है डैशबोर्ड को खोलने के बाद। एक्चुअली इसमें दो पेच ये रहे यहाँ पर, और दो पीछे की साइड में है, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो चार पेच खुल के ये भी बाहर आ जाएगा, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, डैशबोर्ड के अंदर इतना ही आता है। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।